10 किलोमीटर की दूरी पे आपको सामने हिल्स पे दिख रहा होगा वो सुरकुंडा देवी मंदिर है। ये जो सुरकुंडा देवी मंदिर है वो एक शक्तिपीठ है और इसकी जानकारी मैं आपको और वीडियो में आगे देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम फाइनली पहुंच गए सुरकंडा देवी माता मंदिर और यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। ये रोड आएगा यहाँ से, बिल्कुल आप कनाताल से आते हो तो इधर से, धनौल्टी से आते हो तो इधर से रास्ता पड़ेगा। ये पार्किंग है, पार्किंग बाइक खड़ी कर दी। अब यहाँ से हम प्रसाद ले रहे हैं। जय माता दी। तो हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिया और प्रसाद वरसाद भी ले लिया हमने। ये जैसे कि आपने देखा यहाँ पे, यहाँ से एंट्री होती है खाड़ी चढ़ा, ये बिल्कुल 2 किलोमीटर की, और माता वहाँ है। हालत देखो यार कैसी हो गई इनकी। ये कम से कम 1 किलोमीटर भी नहीं चढ़ाऊँगा, बहुत ज़्यादा। अभी रोपवे से जाएंगे हम लोग, तो 100 मीटर ऊपर आएंगे, 200 मीटर, और यहाँ से रोपवे स्टार्ट हो गया लास्ट अप्रैल में। तो भाई फाइनली हम रोपवे के पास पहुंच गए हैं और टिकट की लंबी लाइन नहीं लगी है। तो 205 रुपये जो है वो टिकट प्राइस है, और यहां से लेके करीब करीब होगा 500 मीटर रिकॉर्डिंग 500 मीटर तक जो है हम रोपवे के ऊपर थ्रू माता के मंदिर पे जाएंगे। बताना चाहूँगा यहाँ पे पैट्स अलाउड नहीं है, अगर आप पैट्स को लेके आते हो अलाउड नहीं है, और 4 साल से ऊपर बच्चे की टिकट लगती है। सीधा आप चलते हैं आगे। शायद ये न्यू कैबिन लग रहा है यहाँ पे, और हम लोग आके बैठ गए टिकट लेने के बाद। धूप आ रही है ना, इस वजह से ले नहीं आ रही। अप्रोक्सीमेट 5 मिनट लगते हैं ऊपर जाने में, 5 मिनट में ही लगे शायद। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। भाई हमें हवा में लटका दिया, देख रहे छोटे छोटे हाइट पे है ना, ऐसा लग रहा है हम फाइनली हम मंदिर पहुंच गए। आइए अंदर की तरफ चलते हैं। और फाइनल व्यू फ्रॉम हियर, ये देखिए फाइनली हम माता के दरबार में पहुंच गए। ये है माता जी का मंदिर, मेन मंदिर। 9000 की फीट ऊंचाई पे जय माता दी। तो गाइस जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं और सामने का नज़ारा देख के ना, आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं कहाँ पहुँच गया। इतनी ऊंचाई पे मंदिर स्थित है ना, 9000 फीट की ऊंचाई पे, और यहाँ से पूरे पहाड़ दिखते हैं यहाँ पे, जो हिमालय की श्रृंखला है पूरी। ये आप देख सकते हो यहाँ से। और अभी आज हमारा मतलब लग कह सकते हो, आज मौसम बहुत साफ है और आपको पूरी माउंटेन रेंज एकदम ढकी हुई दिख रही है। वाह क्या नज़ारा है यार, क्या नज़ारा है देखना। तो फाइनली गाइस मंदिर कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी हम यहीं पे हैं मंदिर पे ही। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है 52 शिव में से एक है, और कहा जाता है कि उस टाइम पे जब दक्ष जी ने यज्ञ का आयोजन किया था और शिव जी को आमंत्रित नहीं किया था, उस टाइम पे क्या हुआ, माता सती जो हैं वो यज्ञ में कूद गई। तो महादेव जी बहुत रुष्ट हो गए और माता सती को लेके यज्ञ में घूमने लगे, और इसके विनाश के डर से जो है विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से, ऐसा कहा जाता है, सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जो कि शक्तिपीठों में गिना जाता है। और यहाँ पे जो है उनका सिर गिरा था, इसलिए इसका नाम सुरकंडा देवी माता का मंदिर है।
और यहाँ से जो व्यू है मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कैसे पहुँचे आप। यहाँ से जो है अब धनौल्टी मसूरी से, क्योंकि ये बीच में पड़ता है, धनौल्टी से बिल्कुल पास में है, धनौल्टी से 4-5 किलोमीटर आप आगे आते हो चंबा की साइड में, तो आपको ये मंदिर तो रास्ते में मंदिर मिलता है। और अगर आप ट्रैकिंग से आ सकते हो तो आप ट्रैकिंग करके आ जाओ, जो चढ़ाई है वो 2 किलोमीटर और यहाँ पे रोपवे का रास्ता भी है, तो आप रोपवे से आ सकते हो। 205 रुपये की टिकट है जैसे कि मैंने आपको दिखाया, और 10 मिनट में आप ऊपर आ सकते हो, 10 मिनट में। और बहुत अच्छा मंदिर है यार, यहाँ का जो व्यू है ना, क्योंकि जो हिमालय पर्वत की श्रृंखला है वो पूरी आपको दिखती है यहाँ से। और ठंड के टाइम पे इतनी बर्फ गिरती है यहाँ पे, इतनी बर्फ गिरती है क्योंकि अभी नवंबर है और दिसंबर में बर्फ पड़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप देख रहे हो कोई अच्छी जगह यहाँ पे अपने आसपास में, गाजियाबाद वालों या फिर दिल्ली वालों, यहाँ पे ज़रूर आना। बहुत अच्छा मंदिर है ये, 9000 फीट एलिवेशन की ऊँचाई पर। अगर आप चंबा साइड से आते हो ऋषिकेश से क्योंकि ये पास पड़ता है, तो चंबा साइड से आते हो आप, क्योंकि इधर से आने में बहुत टाइम लगता है हमें मसूरी से, तो अगर आप चंबा की साइड से आते हो, बस 25 किलोमीटर दूरी पर है स्थित है माता का मंदिर। ये मंदिर का प्रांगण है जिसके चारों तरफ आप परिक्रमा कर सकते हो। ये है मंदिर के चारों तरफ का व्यूज और काफी अच्छा लग रहा है गाइस देख के यहाँ पे। हमें हो गए 1.5 घंटे और हमारा मन नहीं भर रहा है, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है यार। कितनी प्यारी जगह है ना, आप अगर कभी भी आते हो इस साइड धनौल्टी मसूरी साइड में, मसूरी से 40 किलोमीटर दूर है, बट यहाँ पे आना वर्थ इट है अगर आप, और लेकिन अगर आप धनौल्टी साइड रुक करते हैं तो धनौल्टी के तो बिल्कुल पास में ही है, मतलब यहाँ पे आना मत भूलना आप। और बाकी व्यूज अल्टीमेट, सब कुछ अल्टीमेट है यहाँ का, और माउंटेन रेंजेस देखने में तो अलग ही बनता है। मतलब ये देख रहे हैं ये माउंटेन रेंज, ये पूरा माउंटेन रेंज यूं है, कितनी बर्फ पड़ती है ना यार यहाँ पे ठंड के टाइम में। अब ये बर्फ के टाइम पे आना, दिसंबर के टाइम पे बहुत ज़्यादा, पूरा मंदिर बर्फ से ढका रहता है चारों तरफ से, और इतनी हाइट पे है तो अलग ही लगता है मंदिर। अगर कोई हाटू माता मंदिर गया तो बिल्कुल सिमिलर मुझे वैसे ही लग रहा है, सेम। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और यहाँ पे अगर आने में कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मुझसे, या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कि माता आ रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे उत्तराखंड में ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं जो कि आप यहाँ पे आके अनुभव कर सकते हो। फिलहाल मैं चलता हूँ यहाँ से नीचे की तरफ क्योंकि हमें घर जाना है, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी आपको डाउट, और आपसे मिलता हूँ एक में नई वीडियो में, और तब तक के लिए जैसे अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार फटाफट। तो गैस देखो कितनी लंबी लाइन लग चुकी है टिकट के लिए। अब मैं बताऊँ आपको, जब हम सुबह आए थे तो कोशिश करें कि सुबह चले जाएं, क्योंकि ये जो है भीड़ लगी पड़ी भाई इतनी ज़्यादा। ये देखो ये सारे, हाँ पैदल के लिए तो ये रास्ता है और रुपए के लिए रास्ता है जो कि बहुत लंबा है, और अंदर भी कुछ लोग बैठे होंगे, और यहाँ से टिकट मिलती है जैसा कि आपको पता है, तो कोशिश करें कि जल्दी आने की।
से भी खाना खाने रुके थे इस होटल में, और ये बहुत अच्छा है, मतलब खाने के लिए बहुत ऑप्शन नहीं मिलते लोग, और पता नहीं होता कहाँ पर अच्छा खाना मिलेगा पहाड़ों में, पर ये होटल बहुत बढ़िया है। मैं आपको नाम बता देता हूँ, अगर कभी आपके पास इधर रास्ते से गुजर रहे हो चंबा में, जरूर रुकना यहाँ पे, ठीक है? ये देख लो, व्यू भी अच्छा है यहाँ पे, बढ़िया है। ब्लू हिल नाम है इस होटल का,